सब्सक्राइब कर दो हमारा यूट्यूब चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल आइकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। तो नमस्ते दोस्तों, आज सभी का हमारे आपके अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो अभी टर्म वन हुए तो उसमें बहुत सारे स्कूल्स ने बहुत चीटिंग करवाई, आंसर बता दिए क्योंकि होम सेंटर था। तो अभी काफ़ी सारे आर्टिकल आ रहे हैं बाद, उसके बाद में सीबीएसई ने रिस्पॉन्ड किया है कि जिन स्कूल्स के अंदर ये चीटिंग वगैरह हुई है, जिन बच्चों ने चीटिंग करी है, उन सभी के ऊपर सीबीएसई एक्शन लेगा। जिन स्कूल्स के अंदर कैमरों को ऑफ किया गया क्लास में, उन पर भी एक्शन होगा। सीबीएसई की तरफ से ये पहली बार कोई बड़ी स्टेटमेंट आई है बच्चों के बिहाफ पे, बच्चों को सीरियस लेते हुए मेरे को काफ़ी अच्छा लगा। तो गाइज, मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि जिन जिन स्कूल्स में चीटिंग हुई है, आपके स्कूल में तो मेरे को पता है चीटिंग नहीं हुई है, लेकिन जिन स्कूल्स में चीटिंग हुई है या फिर जिन होम सेंटर पे चीटिंग करवाई गई टीचर की तरफ से, उन स्कूल्स के ऊपर सेंटर पे स्कूल पे एक्शन किया जाएगा सीबीएसई की तरफ से। अगर आप लोगों को भी पता है कोई स्कूल का नाम या फिर आपके भी अगर फ्रेंड्स के साथ में अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। देखते हैं फिर सीबीएसई का क्या रिस्पॉन्ड आता है। तो गाइज, सीबीएसई ने बोला कि हम आने वाले 10 से 15 डेज़ के अंदर इसके ऊपर पूरा एक्शन करेंगे। तो देखो गाइज क्या होता है। अभी थोड़ी देर पहले ही सीबीएसई की तरफ से ये आया था अपडेट, तो मैं आप सभी को जल्दी से वीडियो बना के बता रहा हूँ। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है जरूर शेयर करना, और अगर वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे कमेंट करके बता सकते हो। तो अपने फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आ सिंगर पर सेफ रहो।